हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है तुम सबका? तो देखो, आज हम खेलने वाले हैं माउंटेन क्लाइंब स्टंट। तो काफ़ी मज़ेदार गेम है ये, टॉप 10 की रैंकिंग पे आता है भाई। जो प्ले स्टोर पर तुम चार्ट खोल के देखोगे इंडिया में जो पॉपुलर गेम्स है, तो उसमें टॉप 10 में आता है। एक बार खेलना तो बनता ही बनता है इसको। तो देखो, शुरू के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, हद से ज़्यादा ईजी है। 10-12 लेवल्स, तो वो तुम जो है कि आँख बंद करके पास कर सकते हो। बस गेम का वो इंट्रो देता है ना, शुरू में जो है कि गेम का इंट्रो देगा। अगर पहले से ही हार्ड कर देगा तो सिंपल सी बात है, गेम छोड़ के सब चले जाएंगे। इसलिए हर गेम का रूल है। देखो, मैं ये खेल रहा हूँ पीसी में, और पीसी में तुमको जो इंस्टॉल करोगे एमुलेटर लगा के तुम, तो पीसी में तुमको बस आगे पीछे दिया रहेगा, और बाकी तुमको लेफ्ट राइट का सेट करना होगा। जैसे देख रहे हो, मैं लेफ्ट राइट इसको टर्न कर रहा हूँ, तो ये मैंने सेट किया है बटन पे। तुम कंट्रोल, जो कंट्रोलर वाला सेक्शन आता है ब्लू स्टैक का, उससे जो है कि सेट कर सकते हो। देखो, ये इतने सारे लेवल्स है इसमें, फिर जाके फाइनली तुम इस माउंटेन पे पहुंचोगे। चलो, लेवल 5 पे आ गए हम लोग, देखते हैं लेवल 5 में क्या चेंजेस है। तो लेवल 5 में ट्रैक थोड़ा इधर उधर हुआ है, देख रहे हो। अब जो है कि सेफ्टी नहीं दी गई, जो सेफ्टी फेंसेस थे उनको हटा दिया गया है कई जगह से। तो यहाँ से तुम जो है कि भाई हल्का हल्का भी इंट्रो दे रहा है। जब 100-200 लेवल है तो 10-12 में तो इंट्रो देगा ही, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं इस गेम में। तो लेवल 5 वी पास्ड, और 5 स्टार मिल गया अपने को। ये देखो रिव्यू, ठीक है बाद में दे देंगे, माउंट क्लाइंब स्टंट बाद में मैं दे दूंगा रिव्यू। अब देखो, लेवल 7 पे अपने को अलाइन करके ले जाना है इसके। इधर उधर ले जाओगे तो फिर भाई बाहर चल जाएगी। चाहो तो तुम नाइट्रो यूज़ कर सकते हो, नाइट्रो यूज़ कर लोगे अच्छा रहेगा, मतलब गैप जो है कि आसानी से क्लियर हो जाएगा जो बीच का है। आ गए हम लोग लेवल 9 पे, 47 सेकेंड में अपने को रीच करना है वहाँ पे। तो चलो, अब देख रहे हो ये ट्रैक, देखो ट्रैक देखो थोड़ा सा चेंज है। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में ले जा रहे हो तो समझ ही नहीं आएगा तुमको कि कहाँ पे जा रही है कार। तो ये देखो भाई, काफ़ी मोटे टायर नहीं है इसके, मोटे मोटे से। ओ शिट 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 शिट, तो पहला विकेट अपना भाई यहाँ डाउन होता है। लेवल 9 पे पहली बार अपन नीचे गिरे हैं ट्रैक से। ये मिल रहा है अपने को नाइट्रो फुल करते हुए, वैसे ही पहले फुल था, तो कुछ ज़्यादा मतलब खास यूज़ नहीं है नाइट्रो का, बट कहीं कहीं पर जब जो है कि काफ़ी स्पीड सही होती तब यूज़ रहता है। ये बॉक्सेस क्या कर रहे हैं बीच? ओके, तो बॉक्सेस भाई टूट जाएंगे अगर तुम बिड़ा दोगे, तो टूट जाएंगे आसानी से। आई गेस ये था पहला चेक पॉइंट। तो जैसे जैसे तुम आगे लेवल पे बढ़ते जाओगे तुमको चेक पॉइंट्स वाले ट्रैक मिलते जाएंगे। वे बच गया अपन, बच गया, नहीं तो मेरे को लगा था नीचे गया। अब चलो ये कॉइन ले लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद लेवल 12 भी अपना हुआ क्लियर, और काफ़ी स्पीड से लेवल 12 क्लियर हुआ, नहीं 21 सेकेंड में अपन ने लेवल 12 क्लियर कर लिया। तो आओ अब चलते हैं, बाकी देखते हैं कि अगला क्या आता है लेवल 13। अच्छा, ये ईगल पता नहीं क्यों मतलब ऐसे बार बार जा रहा है। तो चलो इसको शायद ये इधर से, ओह शिट, बहुत ज़्यादा स्पीड से भाई, मैं कह रहा था स्पीड थोड़ी कंट्रोल करनी होगी भाई। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ ना एकदम सीधा ले जाऊँगा, जो गैप है उस पर मैं यूज़ कर लूँगा नाइट्रो। देखो नाइट्रो आ गई अपनी, तो हो सकता है फिलअप हो जाए। वो देख रहे हो तो वो अपना जो प्रीवियस वाला अटेम्प्ट था उसको शो करता है वो। तो चलो सीधा सीधा ले चलते हैं, नाइट्रो यूज़ कर लोगे गैप पे तो एक जो है कि एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड कर देता है ना, तो डाक जाओगे तुम। चलो अभी आप पे अपन ने कलेक्ट कर लिया। तो गाइस अब ओके, मुझे नहीं लगता अब कोई खतरा है अपने को यहाँ पे। तो लेवल 13 भी कंप्लीट हो गया, काफ़ी इजी दिख रहा है अभी ये माउंटेन क्लाइंब स्टंट, तो काफ़ी ज़्यादा इजी। ओके ओके, ये क्या था, ये क्या था, लेवल 14 कुछ नया दिखा रहा है। ओके नहीं, ऐड तो कभी नहीं देखने वाला, 500 कॉइंस तो कभी नहीं वेस्ट करना। तो चलो लेवल 14 फिर से अपन जो है कि रीस्टार्ट करते हैं गाइस। और यहाँ पे देख रहा हूँ वो, देखो पिछला वाला जो मेरा अटेम्प्ट था काफ़ी जो है कि इधर उधर जा रहा है, तो यहाँ पे अपने को रोकना है ले जाके। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे रोकना है, और ये लिफ्ट की तरह काम कर रहा है एक। तो देखो अपने को ऊपर ला रहा है, काफ़ी ईजी है ये वाला लेवल 14 अपने को ये लिफ्ट वाले का इंट्रो दे रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है वो। ओके करते हैं, अब चलते हैं दूसरा कुछ देखने नेक्स्ट। और ये जो है कि भाई इसको बाई करता हूँ मैं, मेरे पास 25,000 कॉइन्स हो गए थे। तो चलो ट्रक से जो है कि अपन एक आध दो स्टंट। ओके तो साइज़ उतनी है लगभग यार, देखो साइज़ देखो यार, बच्चा लोग सबका जो है कि सेम है, जितनी भी कार्स मेरे को लग रही है ना सबका सेम है। अब यहाँ से हल्का सा अपने को बचा के टर्न लेगा, और जैसे देखो गेम आगे बढ़ रहा है ट्रैक्स थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। देख रहे हो इतने ज़्यादा टर्न आ गए, पेड़ पौधे सब कुछ आ गए, पत्थर वत्थर ऊबड़ खाबड़ हो गई है। तो ये तो इजी था अभी ट्रक के लिए, तो काफ़ी इजी था भाई, 23 सेकेंड लगाया इसने, और पावरफुल मेरे को लगा था क्यों कार ज़्यादा पावरफुल होगी, बट यहाँ पे ट्रक ही पावरफुल निकली लेवल 21। और यहाँ पे देखो ये टाइमर है, 5 सेकेंड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे उसको अगर तुम कलेक्ट करते हो तो।
चलो एक और 22 सेकेंड है। ओके ओह शिट, चले ये जमना। अब देखो एक एक आगे, वही मैं कह रहा था आगे बढ़ते जाओगे भाई तो फिर ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे, देख रहे हो दिक्कतें आते जा रही है। अब ये लेवल 21 पे नया इंट्रो इसने दिया कि हवा में सामने की तरफ जो है कि वो लिफ्ट वाला जो सिस्टम है, अच्छा वो देखो मूव हो रहा है, वो एयर की वजह से जिस तरफ जाना तो उस तरफ वो घूम के मूव हो रहा है। तो मेक श्योर कि अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये गेम एक बार जाके खेलो, काफ़ी फन है, मज़ा भी आएगा तुमको। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस गेम का। मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट गेम प्ले में।